और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। रोडवेज बस से मोटरसाइकिल की हुई टक्कर, चालक की मौके पर मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। दरअसल जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र में सोमवार की देर शाम धामपुर मार्ग पर ग्राम धोलागढ़ के पास रोडवेज बस से बाइक टक्कर हो गई, जिसमें बाइक चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, लेकिन उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार के लिए पहुंचा दिया है, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको यह भी बता दें कि पुराना धामपुर के मोहल्ला जोशियान निवासी शुभम जोशी सोमवार की शाम करीब 4 बजे अपनी पत्नी नैन्सी जोशी के साथ बाइक द्वारा अपने ससुराल गजरोला से धामपुर जा रहा था। उसी दौरान थाना नूरपुर क्षेत्र के धामपुर मार्ग पर स्थित ग्राम धोलागढ़ के पास पहुंचे तो सामने से आ रही रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहनों की टक्कर में शुभम जोशी की मौके पर ही मौत हो गई है, लेकिन उसकी पत्नी नैन्सी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं शुभम की मौत की खबर मिलने के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद बस चालक बस को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजकर रोडवेज बस को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए संवाददाता इसरार अहमद की ये खास रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक डीपीपी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और हाँ, लाइक कमेंट व शेयर करना भी ना भूले। नमस्कार। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए डीपीपी न्यूज।